ये स्पेलिंग है इसके लिए बजट। कहा जाता है कि जो शब्द है ना बजट, ये हमने फ्रांस से लिया है। कहां से? और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। एक अच्छा प्रश्न, तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्या ये शब्दावली संविधान में है या नहीं है। तो मना करना कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर जो शब्द लिखा हुआ है संविधान में वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है, याद रखना। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, संविधान में कहां पर है, तो इधर देखो, दो आर्टिकल ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, दो अनुच्छेद ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको पूछेंगे केंद्र सरकार जो बजट बनाती है वो अलग, और हमारे राज्यों में जो राज्य सरकारें बजट बनाती है वो अलग। केंद्र सरकार जो बजट बनाएगी उसके लिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है प्यारे बच्चों, वो आर्टिकल 112, और जो राज्य सरकारों के द्वारा बजट बनाया जाता है उसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या तो कौन सा, 202, ये याद रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार इस आर्टिकल के अनुसार पूरे साल भर का लेखा जोखा बनाती है, उसको बजट बोलते हैं। राज्य सरकार इस आर्टिकल के अनुसार अपने बजट बनाती है। एक बात और सुन लो, बजट के दो भाग होते हैं। बजट के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से? भाई बजट कहते हैं किसको, आपको अगर यूं पूछ ले तो आप लोग यूं बताना कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना भी लेन देन हुआ, 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च का जो समय होता है उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। इस वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम हुई यानी आय हुई, और जो भी खर्चा हुआ यानी कि व्यय हुआ, इसका जो लेखा जोखा होता है उसको बजट बोलते हैं, लेखा जोखा। एक वित्तीय वर्ष के दौरान आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। अब वो बजट चाहे अपना भी बना लेते हैं, जैसे कि सर्वोदय ने इस तारीख से लगाकर इस तारीख तक, 1 अप्रैल 2023 से लगाकर 31 मार्च 2024 तक कितना पैसा कमाया, और सर्वोदय ने यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना पैसा खर्च किया, तो वो अपने सर्वोदय का बजट बन जाएगा। ऐसे आप लोगों के यदि फैमिली की बात करोगे तो आपके घर में यहाँ से लगाकर यहाँ तक की तारीख तक कितना पैसा आया, और आप लोगों ने एजुकेशन पर और भोजन वगैरह पर और कहीं घूमने वूमने गए उस पर, कपड़ों वगैरह पर, वो कितने पैसे खर्च किए, उसका जब हिसाब किताब निकलेगा तो उसे आपके परिवार का बजट बोल देंगे। उसी प्रकार से हमारा जो राजस्थान सरकार का कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ उसे हम लोग राजस्थान का बजट कह देंगे। उसी प्रकार भारत सरकार के पास कितना पैसा आया और भारत सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, वो भारत सरकार का बजट बन जाता है। अंडरस्टूड? भारत सरकार ने हाल ही में जो केंद्र के अंदर अपने वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने 1 फरवरी को बजट जारी किया है। अभी जो पीछे 1 फरवरी एक फरवरी गई है ना, आज कितनी तारीख है, 8 फरवरी है, तो आज तो बजट हुआ है राजस्थान सरकार का। 1 फरवरी 2024 को ये हमारी भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ था भारत सरकार द्वारा, और आज 8 फरवरी 2024 को राजस्थान सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, राजस्थान सरकार द्वारा। अब मैं दो बातें और बता रहा हूं, उनको भी ध्यान रखना। बजट के दो भाग होते हैं, बजट के भाग दो, ए और बी के नाम से उनको लिखा जाता है। ए का मतलब होता है आय बजट, और इस आय बजट के लिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 265 है, 265, और दूसरा बी के अंदर लिखा जाता है व्यय बजट, और व्यय बजट के लिए जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है वो आर्टिकल 266, 266। ये बजट के दो भाग हैं, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने दो आर्टिकल पढ़े थे कि केंद्र सरकार का बजट अलग और राज्य सरकारों का बजट अलग। केंद्र सरकार के बजट के लिए आर्टिकल 112 और राज्य सरकारों के लिए आर्टिकल 202। बजट के भाग कितने होते हैं, तो एक आय बजट और दूसरा आय बजट के लिए आर्टिकल 265 और व्यय बजट के लिए आर्टिकल 200। और ये आय और व्यय का जो विवरण होता है, आय और व्यय का जो हिसाब किताब लिखा हुआ होता है, उसे हम लोग साधारण रूप में किस नाम से, बजट, और संविधान की भाषा में उसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? सिंपल सा ये है।
एक प्रश्न और मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एक जो वित्तीय वर्ष का बजट, जैसे कि आज जारी हुआ है वित्तीय वर्ष का बजट, उसमें कितने वर्षों का लेखा जोखा होता है? एक वित्तीय वर्ष के बजट में कितने वर्षों का लेखा जोखा होता है? यूं पूछ ले तो कितने वर्षों का लेखा जोखा होता है, कितने वर्षों का हिसाब किताब होता है? हिसाब किताब एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, तो क्या जवाब दोगे? सही जवाब है इसका कितने वर्ष का? तीन वर्ष का। जो पीछे वाला साल गया है उसके फाइनल आंकड़े जब अपने लास्ट वाला बजट जारी किया तब नहीं थे, बाद में मिले। तो एक तो पीछे वाले साल का, एक अभी जो चल रहा है साल, करंट ईयर, इसका चालू वर्ष, और एक जो अगला साल आएगा उसका भी, उसके भी प्रस्तावित आंकड़े होते हैं, वो भी अपने इस बजट के अंदर होते हैं। यानी एक वित्तीय वर्ष के बजट में कितने वर्षों का हिसाब किताब है, लेखा जोखा होगा, तो तीन वर्षों का माइंड में रखना है, याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान में चूंकि वित्त मंत्रालय किसके पास है, तो राजस्थान की वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी, जो अभी डिप्टी सीएम है हमारी, उन डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा आज बजट प्रस्तुत किया गया। और हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए बहुत, मतलब यूं आप कह सकते हो कि दिल को ठंडक देने वाली ये न्यूज़ थी कि 70,000 जो भर्तियों का अनाउंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब 70,000 भर्तियों में कौन से पद के लिए कितनी भर्तियां निकलेगी उसका एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों ने अनुभव के आधार पर निकाला है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बार। ये आज का बजट भाषण था जो पढ़ा था राजस्थान की डिप्टी सीएम जो लेडी है, अभी सातवें नंबर की है, ये ध्यान रखना, छठे नंबर की, अभी जो दो जने हैं अभी उसमें से ये छठे नंबर की है, और प्रेमचंद जी बैरवा है वो कौन से नंबर के हैं? सातवें नंबर के। आज तक राजस्थान में कुल उप मुख्यमंत्री यदि पूछे तो कितने हुए? सात, अभी जो दोनों हैं उनके समेत। बजट में खोला गया भर्तियों का पिटारा 2024-25, और बजट में 70,000 जो भर्तियों का पिटारा खोला गया है उसको लेकर के हम लोगों ने कैलकुलेशन बनाई है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी भर्तियां निकलने की संभावना है, उसको देखिए आप लोग। सबसे पहले अपन शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए शुभ सूचना है, शुभ मंगल सूचना कि उनके लिए कितने पदों की विज्ञप्ति आने की संभावना है, 5400 पद। जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि लगभग 11,500 पद आने की संभावना है। और जो लोग रीट 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 करते रहते हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं, उनके लिए बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, कितने हज़ार की? 39,000 पदों की विज्ञप्ति जारी होने वाली है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। इसके अलावा भी और भी विज्ञप्तियाँ जारी होने की संभावना, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो लगभग 470 पद हैं, कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 3900 से लगा के 4000 पदों की संभावना हो सकती है आगे आने वाले समय में। और देखिए आप लोग पटवारी के लिए लगभग 3800 से लगा के 4000 पदों की संभावना हो सकती है, 3800 से 4000 पद पटवारी के लिए। और एलडीसी के लिए लगभग 8500, और सबसे खास जिसकी आप लोग तैयारियां कर रहे हो, सपने देख रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए आप लोगों को लगभग 900 से 1000 पद इस आरएस 2025 में देखने को मिलेंगे। आरएस 2024-25 में आपको 900 से 1000 पद आरएस वाले भर्ती के लिए देखने को मिलेंगे। ये मोटी मोटी सूचनाएं थी जो बजट के लिए थी। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि इस बजट पर आप लोगों की, युवाओं की क्या राय है। मैं आप में से बुलाऊँ तो वो स्टूडेंट आना और मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ, आप आ जाइए, हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत। तालियां बजा लीजिए आप एक बार इनके लिए। ये हर्षवर्धन जी हैं जो हमारे अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत सर्वोदय के इस यूट्यूब चैनल पर। आप होनार विद्यार्थी हैं और मेरी मंगल कामना, शुभकामना आपके लिए कि आप जल्दी सिलेक्शन होके यहाँ से निकलोगे। थैंक यू सर। अभी जो राजस्थान सरकार का आज बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें युवाओं के लिए आपको क्या संभावना नजर आती है? सर, आज का बजट बहुत ही अच्छा था, जिसमें युवाओं को बम्पर भर्तियों का मिली है, जिससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, और महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा बजट रहा है, जिसमें महिलाओं को भी बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन दिया गया है,
और किसानों को भी बहुत ही अच्छा बजट मिला है, इसलिए आज का बजट 2024-25 का बहुत ही अच्छा रहा है। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए आप, जैसे कि इस बजट के अंदर युवाओं की 70,000 घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन क्या ये सरकार भी पिछली सरकार की तरह केवल जुमलेबाजी तो नहीं कर रही है, उसको लेकर के कुछ क्या विचार है आपके, इन पदों को अमल में तो लाएगी? जी सर, सरकार से अभी ऐसा लगता है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, इसलिए उनको सरकार बनाने के लिए इस 70,000 भर्तियों में से शायद मतलब पूरी भर्तियों पर चुनाव लड़ा जाएगा, अपन ऐसा मानस सोच सकते हैं। जी सर बिल्कुल, इसे 70,000 भर्तियां निकाली और इनका क्रियान्वयन भी अच्छे से करेंगे, यही मैं सरकार से चाहता हूँ। जी धन्यवाद, आप सभी और हम सभी इसके लिए चाहते हैं। अब मैं अगले कैंडिडेट के रूप में बुलाना चाहूँगा, इधर से तस्लीम जी बैठे हैं, तस्लीम जी आइए आप और आ जाइए जल्दी से आ जाइए, और आप लोग इनका मोटिवेशन करते रहें तालियों के साथ में, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए गुड़िया के लिए। जिस प्रकार से आज का बजट आपने देखा होगा, आप पढ़ते हो, तैयारियां कर रहे हो, एस्पिरेंट्स हो, तो आप जो युवा लड़के लड़कियां अभी तैयारियां कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस बजट के बाद से तैयारी और तेज कर देनी चाहिए या आराम से तैयारी करनी चाहिए, किस युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हो? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो जल्द से जल्द हमारे एग्ज़ाम हो और हमें अच्छी न्यूज़ मिले, जैसा हमारा पेपर वगैरह उठ नहीं हो। हाँ जैसे एग्ज़ाम देते हैं और बाद में निराशा होती है वैसे नहीं हो, पेपर आउट नहीं हो, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और जैसे हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें सफलता हासिल हो। जी थैंक यू, हम भी सभी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर पारदर्शिता रहे और आप लोगों की जो तैयारियां हैं उनको भी पूर्ण रूप से मौका मिले अपनी तैयारी को दिखाने का। अब मैं सर्वोदय संस्थान की तरफ से ही बुलाना चाहूँगा हमारे ज्योग्राफी एक्सपर्ट महेश सर को, जो हमारे इस बजट को लेकर के क्या रखते हैं। महेश सर आइए आप और एक बार युवाओं को मार्गदर्शन करिए, मैं तो आपसे क्या ही प्रश्न पूछूं, युवाओं को बताओ बजट कैसे है क्या है उसके बारे में। धन्यवाद। देखो यहाँ पर अभी जो राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट जारी किया गया है उसके लिए भर्तियां जो है आपको बम्पर भर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही अपन देखें तो मुख्य रूप से आपके सामने सर ने बताया है कि राजस्थान सरकार जो अभी जारी की है जो बजट, उसके अंदर आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है हर प्रकार की जो है भर्ती, हर प्रकार के जो है पद आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और इससे बड़ा जो सुनहरा मौका है वो आपके सामने जो है आगे मुझे लग नहीं रहा। तो जो आपके सामने जो सुनहरा मौका है अभी जो हाल ही के अंदर 70,000 की जो भर्तियां आपके सामने आ रही है वो बहुत ही बड़ा जो है आपके लिए यानी कारगर साबित होगा। इसके अंदर आपको पूरे मन तन के साथ तैयारी के ऊपर लग जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, तो हर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त भर्तियाँ हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो है भर्तियाँ आ चुकी हैं दोस्तों। और अभी बताया सर ने कि पीछे, मैं एक बार और आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा अभी जो है जारी किया गया बजट, इसके अंदर मुख्य देखिए तो अपन यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती बहुत ही गजब जो है आपके सामने आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती को देख के यहाँ पर कई जो है विद्यार्थी शिक्षकों की जो है यहाँ पर टीचर की जो तैयारी कर रहे थे, कई दिनों तक जो है इन जो लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि कब शिक्षक भर्ती आए और कब हम जो है एग्जाम को क्रैक करके हमारा सिलेक्शन हो और कब माता पिता के सपने पूरे करें और हमारे जो है यहाँ पर जिद को यानी अपने सपने को साकार करें। तो बिल्कुल आपके सामने दोस्तों मौका आ चुका है, ठीक है, और वो मौका जो है आपके सामने आया है शिक्षक भर्ती को लेकर के, यानी आपके सामने फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है दोस्तों वो आपके सामने आई है 5400 जो है पदों के लिए, बहुत ही गजब जो है आपके 5400 जो पद है ये बहुत ही गजब आपके लिए सामने आई है भर्ती। इसको लेकर के जो युवा अभी इंतजार में थे, ये फर्स्ट ग्रेड को लेकर के इंतजार में थे, उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। तो इसके लिए दोस्तों लगातार अपनी तैयारी के जो है तैयारी से जुड़ जाए। और इसके साथ दूसरा देखिए सेकेंड ग्रेड के अंदर दोस्तों 11500 जो है दोस्तों इसकी जो है भर्ती
आई है, और थर्ड ग्रेड के अंदर दोस्तों 39,000 जो कि लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो इससे बड़ा जो है सुनहरा मौका आपके सामने नहीं आएगा। इसके अंदर जो है लगातार अपने तैयारी के साथ जुट जाए दोस्तों, ये बहुत ही गजब जो है आपका सुनहरा मौका है। ठीक है, शिक्षक भर्ती के अंदर आपको सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दोस्तों आपके एसआई, देखो एसआई के अंदर जो एसआई की तैयारी करे जो युवा, उनको 470 की जो है यहाँ पर बात करें दोस्तों एसआई की वैकेंसी है, और कांस्टेबल लगभग बात करें दोस्तों 39,000 से 4,000 की जो है यहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो अभी जो है सर ने बताया था आपको इसके अंदर, और पटवारी के अंदर दोस्तों 4,000 की जो भर्ती आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और पटवारी के अंदर जो 4,000 की भर्ती दिखाई दे रही है, एलडीसी के अंदर दोस्तों 8,500 जो है आपको भर्ती दिखाई दे रही है। तो बड़ा सुनहरा मौका है दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार ने जो बजट जारी किया है इसके अंदर आप लगातार अपने लक्ष्य के प्रति और लगातार जो इंतजार था दोस्तों वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो भी गया, लेकिन अब जो है राज्य सरकार जो अब जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है दोस्तों इसका, और लगातार दोस्तों इसकी तैयारी के जुट जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे अनुरोध है दोस्तों, लगातार अपने जो आपने इंतजार कर रहे थे, जिस भर्तियों का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, उसके अंदर जो है लगातार आपको तैयारी के अंदर जुट जाना चाहिए। मैं तो आपसे यही दोस्तों जो है कहना चाहता हूं। ठीक है, और आप में से कोई भी जो है विद्यार्थी यहां पर आकर के अपनी राय और प्रकट करें। ठीक है, और भी युवाओं को यहां पर बताएं कि यहां पर कौन सा आपके सामने मौका आया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर आकर के बताएं। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नोटिफिकेशन आया। बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे, आधे जने की तो उम्मीद भी मर चुकी थी हालांकि। और जितना मैं कहती हूँ रीड में कंपटीशन है, आई थिंक इतना वो आईएएस में भी नहीं होगा, इसलिए ये रीड वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तैयारी तो सर सिलेबस तो 6 महीने में, मतलब 3 महीने में भी करने वाला कवर कर सकता है, वो डिपेंड करता है कौन कैसे तैयारी करता है। और अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जैसे मारवाड़ी में कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, इसलिए जब ये नोटिफिकेशन वैकेंसी आए तभी कुछ कह सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वैकेंसी आ तो गई, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई हाथी के जो दांत दिखाने वाले इस प्रकार से कह रहे हैं, कहावत जो बता रहे हैं, ये कहने का मतलब इनका है कि भर्ती सामने आ तो गई है, फिर भी युवाओं के अंदर विश्वास फिर भी नहीं यहाँ पर हो रहा है कि भाई भर्ती आ तो गई है लेकिन तैयारी। तो यहाँ पर ये सुनहरा जो मौका है, मेरा कहने का मतलब तो यही है कि अपने को जो अपने लक्ष्य की तरफ अपने को चलना चाहिए दोस्तों, रुकना नहीं है। अपने सामने भर्ती आ गई है दोस्तों, और आप पूरे जिद और जुनून के साथ अपने मेहनत की तरफ लगातार लग जाएं, बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका आपके सामने आ गया है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर एक युवा और आपको जो है यहाँ पर बताने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारा नई जो वैकेंसी निकल रही है उसके अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जो तैयारी आ रही है जैसे कि आरएस है, उसकी ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए। छोटी तैयारी पे ध्यान देंगे हमको छोटा नहीं मिलने वाला, जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे उतना हमको बड़ा ही मिलने वाला है। अगर बड़ा लक्ष्य नहीं रखा तो हम बहुत कोशिश करने के बाद भी हमको छोटा ही मिलने वाला है। अगर आप बाइक का सोचेंगे तभी आपको साइकिल मिलने की कोशिश रहेगी। अगर आपको तैयारी करनी है तो बड़े से बड़े पद की तैयारी करें, और ये नोटिफिकेशन निकले हैं तो जल्दी भर्ती निकलेगी, और सरकार से आशा रहेगी कि सभी भर्तियों का अच्छे से पालना करें और कोई भी एग्ज़ाम लीक ना होने दे और पेपर लीक ना होवे, हमारी यही आशा रहेगी सरकार से। हाँ, तो बिल्कुल जो है ये भर्ती जो निकली है दोस्तों ये बड़ी ही बम्पर भर्ती है। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत ही गजब सुनहरा मौका है दोस्तों, इसके लिए लगातार अपनी तैयारी के साथ जुट जाएं। ठीक है, सभी को जो है यही कहना चाहूंगा कि जो सामने अभी राजस्थान सरकार ने जो बजट जारी किया दोस्तों, इसके अंदर बड़ी बम्पर भर्तियां शिक्षक भर्तियां देखी गई है, तो इसको लेकर के दोस्तों अब लगातार अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दे दोस्तों, लगातार अपनी तैयारी की तरफ जो है तैयारी लगातार करना शुरू कर दे। तो दोस्तों ये जो है आपके लिए संदेश था दोस्तों, तो लगातार आपसे आशा है कि आप जो है यहाँ पर ये भर्तियां आ रही है और अपनी तैयारी की तरफ जुट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।